नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां पर देखिए, मैंने पहले से लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 3 लगातार संख्याएँ हैं जिनको ऐड करने पर 51 आता है, तो वो संख्याएं, वो इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए, बिल्कुल इजी है। और कंसेक्यूटिव मींस लगातार, क्रमागत। जो आपको मालूम है कि अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड 2 होगा, फिर 3 होगा, ठीक उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए लेट let first integer equal to x, second integer equal to x plus 1, third integer इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये हमारी कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। और देयर सम, इनका सम कितना है वो भी हम लिख लेते हैं। देयर सम इक्वल टू 51। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वो मैंने लिख दिया है। इसी से अब आप इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, और इनका सब सम करते हैं तो आना चाहिए 51। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले करना है कि आपको x को अलग प्लस कर लीजिए, 1, 2, 3 हो गए। आइए मैं लिख लेता हूँ 3x, और डिजिट को अलग प्लस कर लेते हैं, 2 और 1 प्लस 3, ये भी 3 है, इक्वल टू 51। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये इधर 3 प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे, 3x को इक्वल रखें 51, 3 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x लिखे खाली, 51 में से 3 माइनस करो, कितना आता है 48। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 वन जा 3, यहाँ पे 1 बच गया, 4 में से 3 माइनस करें तो 18 मीन्स 3 6 जा 18। ठीक है, आप चाहे तो इधर ये ऐसे भी डिवाइड आप 3 से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 16, और x क्या था हमारा, फर्स्ट इंटीजर था, तो फर्स्ट इंटीजर 16 आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 16, सेकंड सेकंड इंटीजर है अपना क्या था, देखिए बच्चों x प्लस 1, यानी कि हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल, ठीक है, x प्लस 1, x की जगह x की वैल्यू लिखें आप, 16 प्लस 1 मीन्स 17। ठीक है बच्चों, ये आ गया। और थर्ड जो हमारा नंबर था, लिख लेता हूँ थर्ड इंटीजर था अपना x प्लस 2। ठीक है बच्चों, यानी x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे प्लस 2, 16 प्लस 2 18। ठीक है बच्चों, ये हमारे इंटीजर आ गए, मींस फर्स्ट 16, सेकंड जो है 17 है, और थर्ड जो है 18 है। इन सब को अगर हम प्लस करें तो 51 आता है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएँ, चलो कदम बढ़ाएँ। हाँ बच्चों, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप अपनी जीमेल अकाउंट बना लें, उसके बाद आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, और दूसरे बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, सिखाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।